इनके द्वारा। अच्छा, इनके द्वारा कहा हम लोग नहीं गए, शिक्षा मंत्री के पास पांच शिक्षा मंत्री मगर आप लोग को एक नौकरी नहीं मिला। ऋषि पटेल बिहार को पांच शिक्षा मंत्री मिल गए, इन लोगों को एक नौकरी नहीं मिला, बड़ा इत्तेफाक है। क्या लगता है ऐड किया जा रहा है, चुना जा रहा है? 33,916 पद स्वीकृत है बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा, 650 पर बहाली हो रही है आठ में, कहाँ से होगा हम लोग? कहाँ से होगा? अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सबसे मिले हैं, स्वास्थ्य ने मुझे दे रहे हैं, क्या होगा? हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है कि नवंबर 2019 तक के रिक्ति को जोड़ करके बहाली की जाए। दोनों रिक्तियाँ अलग अलग 32,916 और 37,500, फिर भी सरकार 2012 की रिक्ति पर ही बहाली करती है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। जैसे एक झुंझुना थमा दिया गया, आप इंतजार में बैठ रही है। आज क्या मिला? आज आज भी सिर्फ वही झुंझुना ही मिला, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। अब देखा जाएगा, करेंगे। इतने बड़े नेता हैं, इनसे भी मिला गया, ये भी आश्वासन दिया। फिर हम लोग को ये नहीं समझ रहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग कहाँ, मतलब हम लोग काम, आप लोगों का काम। एक तरह से सरकार कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है। क्या सर? कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया कि नियुक्ति पूरी नियुक्ति जोड़ी जाए, लेकर के बहाली किया जाए, और नहीं 34,600 और वो कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जा रहा, ये तो अवहेलना ही है। हम लोग तो कहीं के नहीं है अभी। आप लोग कहीं के नहीं है? कहीं के नहीं है, दर्द भी छोड़ के आ गए हम अपना। अच्छा, तो अब तक बीच में लटक गए? बीच में लटक गए, क्यों आते? पैसा भी लगा दिए जो कमाए थे ये करने में, सरकार तो नहीं कर रही है। नहीं कर वो तो अपना ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ? कमा रहे थे वो भी छोड़ के आ गए, नौकरी छोड़ के पैसा जो कमाए थे वो भी लगा दिए, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे? देखिए, यहाँ पर एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, लगभग सबका 40+ हो गया है उम्र, और एक 40 साल की जिंदगी आधी उम्र होती है। इस आधी उम्र के बाद भी इनको सरकारी जॉब, जिसको मेहनत से इन्होंने पास किया है 2011 में, 10 साल हो गए 2021 में, अभी भी कुछ मिल रहा है पांच शिक्षा मंत्री बदलने के बाद? तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से बहुत बार मिले हैं, आज भी मेरे सामने इनकी मुलाकात हुई, वो वीडियो भी आपने देखा, मगर अब इनकी नाराजगी है। नाराज वो भी तो क्यों ना, 10 साल बहुत वक्त होता है, एक अरसा बदल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मगर इनकी सिर्फ सर्टिफिकेट मिली, पर उससे क्या फायदा होने वाला? पैसे तो थोड़ी आए, हमने इनसे पूछा भी कि सर्टिफिकेट से पैसे आते हैं, बोला आज कर नहीं। अब आपको क्या लगता है, आपके एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के एसटीईटी मामले पर कि क्या है, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, ये बेचारे 10 साल से भटक रहे हैं, तो हमारी बातचीत को लेकर क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने एसटीईटी अभ्यर्थियों के बारे में, आइए पहले पूरा सुनते हैं। अभी आप यहाँ हैं और सब लोग मिलने आ रहे हैं, एसटीईटी के अभ्यर्थी भी आए और अपनी मांग आपके सामने रखी, क्या उन लोगों का क्या होगा आगे? उसके लिए तो सरकार काम कर रही है, वैकेंसी लगातार निकल रही है, जो भी वैकेंसी 2011 वाले आए उसको सबके लिए थोड़ी निकल दिए, क्योंकि 2011 वाले आएंगे कि 10 वाले आएंगे। वैकेंसी जब बड़े पैमाने पर होगी, और वैकेंसी है सरकार की प्रक्रिया में चली रही है, उसमें आवेदन करेंगे, लोगों को नियोजन मिल जाए, तो यह प्रक्रिया तो सरकार शुरू कर दी। आपसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि आप शिक्षा पे हमेशा अपना जो आवाज था बुलंद करते आए हैं, जब आप विपक्ष में भी थे, धरना भी दिया इस वजह से कि शिक्षा का हालात जो है बिहार में कमजोर है। अभी ये लोग भिटक रहे हैं, 2011-2021 10 साल का वक्त और अभी तक नियोजन नहीं हुआ, लगातार नहीं करते। कोरोना का पीरियड था, उससे पहले चुनाव का वर्ष था, स्वाभाविक रूप से चुनाव वगैरह के कारण थोड़ी बाधा होती है, लेकिन अब चुनाव भी जीत गया, अब कोरोना का भी लगभग पर कंट्रोल है, तो अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कई बार कहा, और उसके अनुकूल काम भी होता हुआ दिख रहा है, तो लोग आवेदन करेंगे अलग अलग नियोजन इकाई में और उनका नियोजन हो जाएगा। चलिए, अब उनका नियोजन हो जाएगा। साफ साफ कहा कि कोरोना का वक्त था, चुनाव भी था, इस वजह से थोड़ा और लेट हो गया। अब कोरोना की रफ्तार जो धीमी पड़ी है, तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी खुद शिक्षा को लेकर हमेशा एक अलग स्टैंड रखते हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि सबका भला होगा, और ये यात्रा जिस तरह से चल रही है, उनको भी उम्मीद है कि अब जो अल्पसंख्यक समाज है, जिनमें जिनके मन में कुछ कंफ्यूजन हुआ था, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
करेंगे, लोगों को यूजर मिल जाए, तो यह प्रक्रिया तो सरकार शुरू कर दी। आपसे ज्यादा उम्मीदें होती है क्योंकि आप शिक्षा पे हमेशा अपना जो आवाज था बुलंद करते आए थे, जब आप विपक्ष में भी थे धरना भी दिया, इस वजह से कि शिक्षा का हालात जो है बिहार में कमजोर है। अभी लोग भटक रहे हैं, 2011-2021 10 साल का वक्त और अभी तक नियोजन नहीं हुआ। और सरकार इस बात को लेकर से लगातार नहीं कर रही है, इसमें कोरोना का पीरियड था, उससे पहले चुनाव का वर्ष था, स्वाभाविक रूप से चुनाव वगैरह के कारण भी थोड़ी बाधा होती है, व्यवहारिक थी, लेकिन अब चुनाव भी जीत गया, अब कोरोना का भी लगभग उस पर कंट्रोल है, तो अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कई बार कहा और उसके अनुकूल काम भी होता हुआ दिख रहा है, तो लोग आवेदन करेंगे अलग अलग नियोजन इकाई में और उनका नियोजन हो जाए। चलिए, अब उनका नियोजन हो जाएगा। साफ साफ कहा कि कोरोना का वक्त था, चुनाव भी था, इस वजह से थोड़ा और लेट हो गया। अब कोरोना की रफ्तार जो धीमी पड़ी है तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी खुद शिक्षा को लेकर हमेशा एक अलग स्टैंड रखते हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि सबका भला होगा और ये यात्रा जिस तरह से चल रही है, उनको भी उम्मीद है कि अब जो अल्पसंख्यक समाज है जिनमें जिनके मन में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इलेक्शन भी आ गया, कोरोना भी आ गया, तो इसमें वक्त निकल गया। हमने सीधा सवाल पूछा कि 10 साल हो गया, आप विपक्ष में थे, मुद्दा बड़े मजबूती से पकड़ कर रखते थे, अब क्या हो गया? उन्होंने कहा कि वक्त लगता है, अब कोरोना का वेव भी ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे कोरोना डाउन हो रहा है, तो हम इस पर बातें करेंगे, इस पर कुछ ना कुछ होगा। सिर्फ अभी आश्वासन ही मिलता जा रहा है, जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से बात की, कल भी हमने इस मुद्दे को रखा था, मगर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। एसटीईटी के अभ्यर्थी बेतिया में इनको सर्किट हाउस में ही रोक लेते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। अब देखिए, आने वाले वक्त में क्या होगा वो वक्त बताएगा, वो फ्यूचर के बताएगा, मगर अभी तो यही है कि इनकी उम्र निकलती जा रही है घर में। अब जिस तरह से हमने इनसे बात भी की, आपसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं क्योंकि आप शिक्षा पे हमेशा अपना जो आवाज़ था बुलंद करते आए हैं, जब आप विपक्ष में भी थे धरना भी दिया, इस वजह से कि शिक्षा का हालात जो है बिहार में कमज़ोर है। अभी ये लोग भटक रहे हैं, 2011-2021 10 साल का वक्त और अभी तक नियोजन नहीं हुआ। और सरकार इस बात को लेकर से लगातार नहीं कर रही, इसमें कोरोना का पीरियड था, उससे पहले चुनाव का वर्ष था, स्वाभाविक रूप से चुनाव वगैरह के कारण भी थोड़ी बाधा होती है, व्यवहारिक थी, लेकिन अब चुनाव भी जीत गया, अब कोरोना का भी लगभग उस पर कंट्रोल है, तो अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कई बार कहा और उसके अनुकूल काम भी होता हुआ दिख रहा है,